इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रूही है वो जो है बियर की बॉटल्स लेकर आता है और वो थोड़ा खुश भी होता है, लिफ्ट से आ रहा होता है अपने लिए और शैन के लिए लेकर। तो वो अपने जो है रूम घर के अंदर जाता है और रूम में जाता है तो वो देखता है कि जो शैन है वो अपने बैग्स में कुछ देख रहा होता है। तो उसको ऐसा देख के जो है रूही मन में सोचता है कि मुझे पता है कि उसको जो है घर भी चाहिए और उसको अपने मॉम डैड भी चाहिए। तभी हम जो है शैन को देखते हैं जो कि अपने बैग से कुछ पैसों को देख रहा होता है। रूही जो है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि शैन प्रिटेंड करता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर रियलिटी में उसे उसके पेरेंट्स चाहिए। पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर जो है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है और शैन इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया अपने घर से। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि रूही और शैन जो है वो मिलकर जो है बियर को पी रहे होते हैं। तो रूही जो है वो शैन को कहता है कि थोड़ा धीरे पियो, तुम क्या कोई भैंस हो। तो ये सुन के जो है शैन कहता है कि पर मुझे बियर पसंद है। तो रूही उसके हाथ से बियर की बॉटल छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरीके से इसे पियोगे, तुम इस तरीके से पियोगे तुम रह पाओगे। और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ तुम ऐसे अपने आप को इतनी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते हो। तो ये सुन के जो है शैन कहता है कि क्या तुम मेरे लिए परेशान हो। तो जो रूही है वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो शैन जो है वो कहता है कि अच्छा रुको मुझे जो है तुम्हें कुछ दिखाना है। तभी वो उसे एक चीज़ देता है और तो जो रूही है वो पूछता है इसमें क्या है। तो शैन जो है वो कहता है खोलो। तो वो खोल के देखते हैं और कहता है ये उसमें जो पैसे होते हैं वही। तो जो शैन है वो कहता है हाँ ये जो है कुछ थोड़े से पैसे हैं जो कि मेरे पार्ट टाइम जॉब्स हैं, कुछ ये ज़्यादा नहीं है, बस कुछ 1000 रुपये ही हैं। हाँ और एक तुम मेरी हेल्प करोगे, इन पैसों को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम ये मेरी मॉम को दे सकते हो और तुम उन्हें बोल सकते हो कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा। और हाँ उन्हें ये भी बोल देना कि इन पैसों से वो जो है अपने लिए कुछ खरीद ले। तो ये चीज़ देख के जो है सुनकर और रूही जो है शैन की तरफ देखता है और मन में सोचता है कि ये जो पैसे हैं ये शैन के पार्ट टाइम जॉब के हैं। हाँ तो रूही जो है वो कहता है ओके ठीक है, पर मैं इन पैसों को जो है कल दे दूँगा। तो जो शैन है वो कहता है ओके ठीक है, अब वैसे भी मैं ना बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मैं सोऊँगा। फिर हम थोड़ी देर बाद जो है देखते हैं कि जो शैन है वो शावर लेने के लिए रेडी होता है, वो जा रहा होता है। तभी रूही जो है पीछे से बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम जा रहे हो पर ज़्यादा देर तक शावर मत लेना ओके। फिर वो जो शावर लेने चले जाता है तो रूही बाहर बैठा होता है और मन में सोचता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था कि जो शैन है वो इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया और इतना ज़्यादा समय हो गया, ये शैन बाहर क्यों नहीं निकल रहा बाथरूम से। तभी जो है रूही बाथरूम के पास जाता है और डोर को जो है वो नॉक नॉक करता है और पूछता है कि शैन क्या तुम शावर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तभी जो अंदर से शैन बोलता है कि नहीं मुझे ऐसे फीलिंग हो रहा है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो ये सुन के जो है जो रूही है वो कहता है अच्छा ठीक है तुम बिल्कुल भी मत हिलना, फर्श जो है बहुत ही ज़्यादा गीला है, तुम वहीं खड़े रहो, मैं 2 मिनट में की लेकर आ रहा हूँ ठीक है फटाफट से। तभी जो है हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जो रूही है फटाफट से की लेकर आता है और फटाफट से जो है बाथरूम का गेट खोलता है। तो हम देखते हैं कि जो शैन है वो शावर ले रहा होता है और कहता है कि रूही एक्चुअली ना मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, ऊपर से मैंने जो है हॉट वाटर से ही मैं नहा रहा हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये चीज़ सुन के जो रूही कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना कि तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुम तो मेरी बात बिल्कुल भी सुनते ही नहीं हो, अब तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा ना, चलो रुको मैं तुम्हें जो है कैरी करता हूँ। तभी जो है शैंग जो है वो कहता है कि अच्छा संभाल के यहाँ के साबुन गिरा है। तभी जो है अचानक से रूही आगे आ ही रहा होता है, उसका पैर सोप पे पड़ता है और वो गिरने वाला ही होता है लेकिन वो जो है शैंग के ऊपर ही गिर जाता है, पर गिरते वक्त भी उसने जो है शैंग को प्रोटेक्ट किया। हाँ और वो तभी जो है वो रूही जो है वो शैंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, हाँ रुको मैं तुम्हें जो है खड़े होने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर वो दोनों जो है बैठ जाते हैं तो रूही कहता है यार मेरे कपड़े भी जो है गीले हो गए हैं। तो फिर जो है शैन कहता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए थे, वैसे भी मैं अकेले था तो भी मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी और तुम आए और तो और भी तुमने जो है मुझे प्रॉब्लम में डाल, पता है तुम्हें। तो ये सुन के जो है जो शैन है रूही है वो कहता है कि क्या कहीं तुम्हें लग गई है, क्या कहीं तुम्हें दर्द हो रहा है। तो जो शैन है वो कहता है हाँ मेरे जो है टेल बोन्स में जो है दर्द हो रहा है, ये जो है कमर के नीचे वाली जगह पे। हाँ तो ये सुन के जो है रूही कहता है अच्छा एक सेकंड रुको,
हाँ मैं चेक करता हूँ कहीं इंजरी तो नहीं हो गई है, रुको मैं चेक करता हूँ, मैं फील करता हूँ। तो चेक करने के लिए रूही जो है शैन के क्लोज आता है, और ये चीज़ जो है शैन देखता है मन में सोचता है ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया, ये ड्रंक है, ये इसी का रिएक्शन है। तभी जो है रूही शैन के क्लोज आता है और कहता है कि शैन तुम्हें मुझे जो है वो क्लिप याद आ गई, वो वीडियो जो हमने कुछ दिन पहले देखी थी। तो वो शैन मन में सोचते क्या वो वाली क्लिप। तभी जो अचानक से जो रूही है वो शैन को जो है किस कर लेता है, और ये चीज़ देख के जो है शैन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद जो है रूही जो है वो शैन से कहता है कि क्या तुम्हें हार्ट फेल हो रहा है। तो ये सुन के जो है शैन कहता है मैं और कुछ आगे बोल ही नहीं पाता है। उसके बाद जो है उन दोनों के बीच जो हॉट सीन्स होते हैं, वैसे तो जो मैगज़ीन है उसमें और भी ज़्यादा हॉट सीन्स की फ़ोटोज़ थी पर वो मैंने नहीं डाली हैं। उसके बाद फिर हम कुछ समय बाद का देखते हैं कि 6 बज जाते हैं और शैन जो उठता है और उठने के बाद सोचते हैं कि मन में सोचते हैं कि ओ माय गॉड मैंने ये, और उसको कुछ समझ नहीं आता जो भी कल रात हुआ। तभी जो है वो अपने सर को पे जो है मार रहा होता है और कहता है कि क्या मैंने जो है रूही के साथ मेरा सब कुछ हो गया है, कल हम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे। तभी हम देखते हैं कि रूही आता है और वो बाहर से ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है और कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट लाया हूँ और ये फ्राइड चिकन है, मिल्क है और भी चीज़ें हैं, ये चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये सुन के जो है शैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कल जो भी हम दोनों के बीच हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसा रिएक्ट करूँ। और उसके बाद वो कहता है ओके, और वो सोचते कितना ज़्यादा एम्बेसिंग है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग जो है उनका हो जाता है ब्रेकफास्ट, तो वो लोग जो है स्कूल के लिए जा रहे होते। तभी शैंक कहता है एक सेकंड रुको, हाँ मेरी जो वॉच है वो बाथरूम में ही रह गई। तो ये सुन के जो है रूही का रिएक्शन थोड़ा चेंज होता है, फिर चेंज शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली स्कूल अपने पहुँच गए होते हैं। और शैन मन में सोचता है फाइनली हम स्कूल पहुँच गए, अब मुझे जो है अपनी स्टडी पर फोकस करना है, जो भी कल हुआ उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो हम देखते हैं क्लास में टीचर होती है और वो टीचर जो है सभी को पढ़ा रही होती है, लेकिन शैन जो है वो अपना फोकस स्टडी पे नहीं कर पा रहा होता। तो ये चीज़ देख के उसको बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में सोचता है कि मन कह रहा है मैं मर जाऊँ, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी जो उसके बगल में हुई बैठी होती है और वो शैन से पूछती है कि तुम्हारे और रूही के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ये सुन के शैन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो है जो हुई है वो कहती है कि अभी तुम न्यू कपल बने हो और तुम्हारे में ये कोल्ड वॉर कैसे चल रहा है, जो शांत वाली लड़ाई क्यों चल रही है। तो ये सुन के जो है शैन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। फिर ये बोलने के बाद जो है शैन अपने मन में सोचता है कि जो है हम दोनों के बीच कल हम दोनों जो है इंटीमेट हुए थे और हमारा कोई रिलेशन शिप भी नहीं और ना ही हमने कोई एग्रीमेंट किया, और ये सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहा होता है। फिर हम थोड़ी देर बात का सीन देखते हैं जहाँ पे शैन और रूही मिल के जो है डिनर कर रहे होते हैं स्कूल में, हाँ कैंटीन में बैठ के, और जो है जो रूही है वो अपने से कुछ भी शैन की प्लेट में डाल रहा होता है और कहता है कि कल रात। तभी जो है कल रात सुन के जो है शैन कहता है कि वो नॉर्मल था, हाँ ज़्यादा सोचने के उस बारे में ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ सुन के जो है रूही कहता है हाँ वैसे भी तुम सही कह रहे हो, वैसे भी हम जो है सबके सामने यही प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग जो है लवर हैं, और ऐसे अगर ये चीज़ सच भी हो गई, अगर हमने रियल में कुछ कर भी लिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर मैं तुमसे एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत है पर तुम उसे जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये सुन के जो है शैन कहता है कि क्या कहने का मतलब है तुम्हारा, कल मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट कर रहा था ना वही बहुत है। तो ये सुन के जो है रूही कहता है हाँ वो तो है, पर भी जो है तुम्हें थोड़ी सी जैसे वो प्रैक्टिस बोलने वाला होता है वैसे थोड़ा शांत हो जाता है, वो थोड़ा जो है शाय करने लग जाता है। और ये चीज़ जो है शैन जो है नोटिस करता है और कहते हैं क्या ये शर्मा रहा है, और कहता है अच्छा ठीक है रूही तुम अपना फिनिश करो अपना लंच। अब तो ये सुन के रूही कहता है ओके, और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।